हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, हमने ये दरवाज़ा जो है पहले से बना के रखा हुआ था, तो अभी जो है हम इसको फिटिंग करने वाले हैं और फिटिंग करके इसे कलर भी करके पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहना वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, ये देखिए हमने दरवाज़ा को जो है फिटिंग करके हो गया है कंप्लीट। तो कंप्लीट हो जाने के बाद ये देखिए लुक कुछ इस तरीके का है। और दोस्तों, अभी हम जो इसको कील मारने वाले हैं, वो भी लकड़ी का कील। इसमें लोहा का कील बिल्कुल भी नहीं मारने वाले, इसे हम लकड़ी का कील मार के इसको जो है फिटिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों, फिटिंग करने से पहले हम इसके किनारे किनारे पर जो है हम वो फेविकॉल लगा कर इसको अच्छी तरह से कील मारेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए हमने दरवाज़ा को नीचे रख लिया और इसको हम जो साइड साइड पर खोल के ये देखिए फेविकोल लगा रहा है कुछ इस तरह से। तो इसी तरह से फेविकोल लगा के जो है इसको इसका हम लकड़ी का किल जो है वो मारने वाला हूँ। तो ये देखिए हमने फेविकोल लगा कर हो गया कंप्लीट। तो अभी जो ये हम जो इसे क्लैम्पिस बोलते हैं, तो इसी क्लैम्पिस हम इसमें फटे दरवाजे को जो है कस के उसका ड्रिल मशीन की मदद से हम इसको होल करके लकड़ी का किल जो है वो लगा रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये देखिए। तो ये सब लगाने का सोचा है, इसमें फिर कलर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए हमने ये सैंड पेपर ले लिया है, ये 320 नंबर का सैंड पेपर है ये। तो दोस्तों, इस पर हमने एक बार स्प्रिट कलर जो बोलते हैं वो हमने एक बार कर दिया था। तो उस पर अभी हम जो सैंड पेपर मार रही है हाथ वाला सैंड पेपर से जो है, तो इसको इस तरह से एक बार सैंड पेपर मारने के बाद ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है। तो स्मूथ हो जाने के बाद इसमें जो है इसका जो रैप रहता है वो ख़त्म हो जाता है बिल्कुल भी, और फिनिशिंग अच्छी तरह से हो जाता है। तो इसी तरह से हम सैंड पेपर मार हाथ से वाला सैंड पेपर मार कर जो है इसको फिर से बार्निश करने वाला है। तो दोस्तों, हमने इस दरवाजे को बनाने के लिए लकड़ी जो यूज़ किया वो सागून का लकड़ी यूज़ किया हमने पूरे, और इसमें कोई लकड़ी यूज़ मिक्स नहीं किया, ओनली हमने सिर्फ इस पर सागून का लकड़ी यूज़ किया है। तो हम इसके स्प्रिट कलर जो है ये देखिए मार रहा हूँ इसी तरह से, स्प्रिट कलर जो मार के कंप्लीट होने के बाद जो है फिनिशिंग वाला कलर करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहना वीडियो के एंड तक। और दोस्तों, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों, हमारे स्प्रिट कलर जो मार्केट लगभग हो गया है कंप्लीट। तो दोस्तों, ये देखिए हमने ये कलर ले लिया है रेडीमेड वाला, जो टचवुड कलर बोलता है वो वाला कलर हमने ले लिया है। तो अभी यहाँ पर हम ब्रश की मदद से यहाँ पर कलर करने वाले हैं। तो ये देखिए हमने ये ब्रश की मदद से जो है कुछ इस तरह से हम कलर कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी ब्रश से हम इसी तरह से कलर करते हुए जो इस दरवाजे को पूरी तरह से फिनिशिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहना वीडियो के अंदर, काफ़ी इंटरेस्ट होने वाला है इसको, क्योंकि ये दरवाज़ा जो हम बारिश करके कंप्लीट करने के बाद जो काफ़ी ज़्यादा ग्लेजिंग आने वाला है।
दोस्तों हमारा दरवाज़ा का जो बानिश करके जो वो लगभग कंप्लीट होने ही वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस दरवाजे का फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके वहाँ से प्लीज़ चेकआउट जरूर करना और देखिएगा मैंने इस दरवाजे को बनाया कैसे था। तो दोस्तों हमने दरवाज़ा एक नहीं बल्कि 6-7 दरवाज़ा बनाया है एक ही साथ में, तो इसीलिए हमने ये ब्रश से जो कलर करा वो हम इधर भी दिखा रहे हैं। हम तो हमने अपने पार्टनर के साथ मिलकर जो है मैं काम कर रहा था। तो दोस्तों ये देखिए कलर करने के बाद लुक कुछ इस तरह से हो रहा है, देखिए कितना ज़्यादा ग्लेजिंग हो गया है इसका। तो हमने कलर जो है पूरी तरह से कर दिया है कम्प्लीट। तो कम्प्लीट कर लेने के बाद ये देखिए कलर कुछ इस तरह से हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर फिर से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।